उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ जनपद गोरखपुर के बैनर तले मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा संघ गोरखपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे ने बताया कि आज का हमारा धरना मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा संघ चयन बोर्ड से चयनित हुए नवनियुक्त शिक्षकों के जुलाई अगस्त महीने से कार्यभार ग्रहण कर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात अभी तक उनका मानदेय नहीं दिए जाने के संबंध में किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक यह धरना जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा संघ गोरखपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे ने कहा, जिंदाबाद शिक्षक का, जिंदाबाद 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 ओपी शर्मा ध्रुव त्रिपाठी, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इस कार्यालय में कोई भी मांग पूरी नहीं होती है और नए शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक जो है वो 1 जुलाई से ज्वाइन कर चुके हैं। जुलाई अगस्त से लोगों का सत्यापन आ गया है, उनका भी भुगतान नहीं हो रहा इस कार्यालय से 7 महीने से और वो अपने परिवार के भी इस शहर में रह रहे हैं। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षक का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी शर्मा ध्रुव त्रिपाठी, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी शर्मा ध्रुव त्रिपाठी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षक का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे है, मैं जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर हूँ। आज का धरना जो है विशेष रूप से नव नियुक्त शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित हो करके जुलाई अगस्त महीने से वो कार्यभार ग्रहण करके विद्यालयों में अपना योगदान कुशलतापूर्वक दे रहे हैं, उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है वो 6 महीने से ये कार्यालय करा रहा है और इस जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के पास जब वो भूख से तड़प रहे शिक्षक हमारे जाते हैं तो आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कहते हैं कि हमको 1 साल वेतन नहीं मिला था। समस्याओं के निस्तारण और निराकरण के स्थान पे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का ये जो कथन है वो उसकी माध्यमिक शिक्षक संघ निंदा करता है। आप लोगों का धरना 1 दिवसीय है आगे भी? हमारा ये धरना अभी तो 2 दिवसीय घोषित रूप से है, अगर समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग प्रतिदिन विद्यालयों में पढ़ाने के बाद 3 से 6 बजे तक यहाँ पे धरना देंगे जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं कराया जाता है।